बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बढ़नामा। आज वीडियो के सिलसिले में, जैसा पहले आपने दो तीन वीडियोस देखी हैं कि जो फैंसियर्स हैं उनके पास जाके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करवा रहे हैं आपसे। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे बर्ड फैंसियर के पास आए हैं जो एक प्रोफेसर हैं बाई प्रोफेशन, और बहुत कम वक्त में बहुत नॉलेज इन्होंने गेन की है। जेनेटिक कैलकुलेटर जिस तरह है, समझ लें कि इनका माइंड भी जेनेटिक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। माशाल्लाह बड़ी जल्दी इन्होंने जो है वो नॉलेज गेन की है, बहुत पढ़ते हैं जेनेटिक्स को और प्रैक्टिकल भी किया है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। तो आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं द वन एंड ओनली चौधरी मुबशर शबीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। चौधरी मुबशर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि कितनी देर हो गई है आपको इस लवबर्ड फैंसी में, और कैसे आप इस फील्ड में आए? लवबर्ड ब्रीड करवाते हुए तकरीबन ये फोर्थ सीज़न है, 4 साल हो गए हैं। इससे पहले कॉकटेल्स वगैरह ब्रीड करवा रहे थे और अदर बर्ड्स थे। तकरीबन 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, लेकिन लवबर्ड में सिर्फ 4 साल है। और अवैस भाई से मुलाकात हुई, अवैस भाई से म्यूटेशंस का नॉलेज मिला, और उसके बाद ही मालूम पड़ा कि फ़िशर से और पर्सनाटा से आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ वर्किंग करते हुए आज यहाँ तक। ये अवैस भाई बैरियर टाउन वाले, उनका आप जिक्र कर रहे हैं जी। यहाँ थोड़ी सी आपको ये बात बताता चलूँ कि आप कोई भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी अच्छा लबड़ का फैंसियर होगा, जब उसके ताने बाने यकीनन अवैस भाई के साथ मिलते होंगे, समझ लें कि वो किंग मेकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे के पास नॉलेज है भी, और जो दूसरों से चीज़ उनको मुमताज़ बनाती है वो ये है कि अपनी नॉलेज की वो शेयरिंग भी करते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। वो जो शेयरिंग वाला मामला है वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है। अब जैसे कि चौधरी मुबशर साहब ने भी ख़ुद बताया कि ये उन्हें ही आइडियलाइज़ करते हैं, और उन्हीं से इन्होंने सीख के जो है वो इतने कम टाइम में इतना ग्रो किया है इस फैंसी में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबशर शबीर भाई, ये बताइएगा कि आपने लास्ट ईयर कौन कौन सी म्यूटेशंस ब्रीड करवाई हैं? जो हमारा अभी करंट सीज़न ऑफ हुआ है जी, जो ऑफ हुआ है, मोस्टली पेल फेलोज ब्रीड करवाए हैं, और इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ऑपलाइंस की क्वान्टिटी इंक्रीज़ की है, ऑपलाइंस को ब्लू में, ग्रीन में, पार ब्लू में शिफ्ट किया है, और आगे जो इरादा है वो भी ऑपलाइंस के साथ पेल फेलो रहते हुए मजीद म्यूटेशंस को इंट्रोड्यूस करने का इरादा है, जैसा कि पेल है, स्लेटी है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपलाइंस। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है कि आप जेनेटिक के मास्टर हैं, तो आप ये बताइएगा कि बहुत से नए लोग या बहुत से जो ऑलरेडी वर्किंग भी कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन बार बार जो है वो पूछते हैं, बहुत क्वेरीज आती हैं इस बारे में कि आया कि पेल फेलो को जब पेल म्यूटेशन के साथ ब्रीड करवाएंगे, डल्यूट के साथ ब्रीड करवाएंगे, सलेटी के साथ ब्रीड करवाएंगे, मिट्टी के साथ ब्रीड करवाएंगे, तो आपके तजर्बे की बुनियाद पे कैसा इम्पेक्ट आएगा? आया पेल फेलो की मार्किंग डार्क होगी, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, अगर हम बुकिश बात के ऊपर जाएं तो लोग कहते हैं कि जो म्यूटेशंस मेलनिन को रिड्यूस करती हैं उनको आपस में कंबाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें तो पेल के साथ अगर पेल फेलो आप ऐड करेंगे तो वो पेल फेलो के ब्राउनिश फ्लाइंग फीडर को मज़ीद डार्क करेगा,
अगर आप डाइल्यूट के साथ उसको पेल फेलो को ऐड करेंगे तो वो मज़ीद डाइल्यूट नहीं करेगा, उसके जो फ्लाइंग फीदर हैं बॉडी कलर को और शार्पन करेगा। ठीक है। और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आज के दौर में बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे नामवर ब्रीडर हैं जिन्होंने ये म्यूटेशंस के कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं। ठीक है। यानी बुकिश बातों को छोड़ के प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें तो आपको पेल फेलो के अंदर बहुत सारी वर्सेटिलिटी नज़र आएगी, आपको वर्सटाइल रेंज नज़र आएगी। मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते जाएं, जैसा कि आप स्लेटी ऐड करेंगे तो आपको इसकी एक डिफरेंट और नई टोन मिलेगी। ओपलाइंस के साथ कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो पेल फेलो को ऐड करेंगे, आज देखें ओपलाइन पेल फेलो इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इन नो डाउट नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की म्यूटेशंस को अगर आप ऐड करते हैं तो वो मेलानिन को रिड्यूस नहीं करेगा, वो और इन्हेंस करेगा। ग्रीन में इसकी पिगमेंटेशन, उसकी बॉडी कलर एनहेंस होंगे, रेडिश टोन और रेड होगी, फ्लाइट फीदर्स जो हैं थोड़े से चेंज होंगे और डार्क होंगे, लाइट नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप मिस्टी पेल फेलो देखें तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कहते हैं कि इन कॉम्बिनेशंस को पेल फेलो में ब्रीड करवाना चाहिए? डेफिनेटली करवाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत से चूँकि ये हॉबी के साथ साथ एक बिजनेस भी बन गया है, बहुत लोगों का जो है वो किचन इससे चलता है, बहुत नए लोग आ रहे हैं, तो आप इसका कमर्शियल एस्पेक्ट इस हॉबी का कैसा देखते हैं? क्या आप नए लोगों को कहेंगे कि जो इसमें न्यू एंटर हो रहे हैं कि उनको लवबर्ड में कमर्शियली जो है वो काम करना चाहिए, कमर्शियली बेनिफिशियल है या नहीं? 100% बेनिफिशियल है। मैं आजकल खुद भी वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि पेल फेलो बहुत सारा इम्पोर्ट हो गया है और आप क्रीमिनो डेकिनो ही सिर्फ लगाएं। आप इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखें कि क्रीमिनो और डेकिनो की एक डिमांड थी, आज है और आइंदा भी रहेगी, लेकिन आप उसके अंदर मज़ीद एडवांसमेंट नहीं कर सकते। उसकी मैक्सिमम अप्रोच क्या है कि आपने क्रीमिनो ओपलाइन बना ली है। मैं ये समझता हूँ, यानी आज तक मैंने जो क्रीमिनो ओपलाइन से आगे उसको किसी और वर्जन में कन्वर्ट होते नहीं देखा। तो डेफिनेटली आप जो भी उसमें म्यूटेशन ऐड करेंगे जेनेटिकली तो वो बर्ड वो होगा, लेकिन विजुअली आपको क्रीमिनो ओपलाइन ही नज़र आएगा। अगर इसके पैरेलल कंपैरिजन में आप पेल फेलो को लेके जाएं तो आप जितनी भी म्यूटेशंस इसमें ऐड करते हैं आपको उसका इफ़ेक्ट विजुअली नज़र आता है, आपको डिफरेंट उसके जो वेरिएशंस हैं कलर के और एडिशन म्यूटेशन की नज़र आती है। तो दोनों की एक अपनी अपनी डिमांड रहेगी, पेल फेलो की डिमांड, क्योंकि जब तक म्यूटेशन इसके अंदर ऐड होती जाएंगी तो वो हर नई म्यूटेशन खूबसूरत है और वो अपनी खूबसूरती की बेस पे आगे चलती रहेगी, इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं है और कमर्शियल पर्सपेक्टिव से पेल फेलो हमेशा हायर एंड पे रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप कितने पेयर्स आप ब्रीड करवा रहे हैं लवबर्ड्स के, इस वक्त कितने पेयर आप ब्रीड करवा रहे हैं? इस साल मैंने 100 पेयर्स ब्रीड करवाए। माशाल्लाह। अच्छा, अब जैसा कि सोसाइटीज़ हैं उनके शोज़ होते हैं, तो आप कुछ अपनी कुछ पेयर शो परस्पेक्टिव से भी उनकी ब्रीड करवा रहे हैं, शो स्टैंडर्ड बर्ड्स भी ब्रीड करवा रहे हैं? देखें, पहले तो इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इस साल मैंने 5 पेयर्स जो हैं वो शो परस्पेक्टिव से ब्रीड करवाए हैं जी। और उनकी जो ऑफस्प्रिंग आई है उनको मैं डिफरेंट लाइंस में भी इंट्रोड्यूस करूँगा और शो परस्पेक्टिव में उनको फर्दर ब्रीड भी करवाऊँगा। और लेकिन ये कोई एक साल की जर्नी नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और इंशाल्लाह देयर विल बी अ टाइम के जब हम अपने अच्छे बर्ड्स के साथ शो में पार्टिसिपेट करेंगे। कमर्शियल पर्सपेक्टिव इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन शो पार्टिसिपेशन और साथ साथ कमर्शियल वैराइटीज़ की अपग्रेडेशन वो साथ साथ चलती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने पहले ख़ुद भी बयान किया कि ये जो बर्ड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं इससे जो लोकल ब्रीडर है उस पर कोई नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा या नहीं आएगा, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, इसमें बहुत सारी मिली जुली थाट्स हैं। पहली बात तो ये कि हम तो बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। नए बर्ड्स जो इम्पोर्ट होके आ रहे हैं उनमें बहुत सारे अभी ऐसे फेजेस हैं जो कि नए फैंसियर्स अभी नहीं समझते। जैसा कि सिंपल आप ये कह लें कि उनके सर्वाइवल का इशू है। ठीक है। अगर वो बर्ड सर्वाइव कर जाता है तो यू डोंट नो कि आपका बर्ड कितना बुज़ुर्ग है। लाइक हम यहाँ पे जो ब्रीड करवाते हैं या एक दूसरे से जो बाइंग करते हैं मोस्टली करंट ईयर चिक्स होते हैं या एक साल पुराना बर्ड होता है। हमारे पास ऑथेंटिकेटेड रिंग नंबर्स हैं जो सोसाइटीज़ ने अलॉट किए हुए हैं। जब आप फिलीपींस से बर्ड ले रहे हैं या साउथ अफ्रीका से बर्ड आ रहे हैं तो कोई गोल्डन है, कोई सिल्वर है। इन सिंपल वर्ड्स मैं उनको अब्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन यू डोंट नो द एज ऑफ दैट बर्ड। अब वो आपके पास आके एडजस्ट होता है नहीं होता, आपको उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको जेनेटिक्स नहीं मालूम कि यार ये कौन कौन से रिसेसिव ट्रेट मज़ीद कैरी कर रहा है, आपको डिजीज़ का नहीं पता।
हो सकता है कि वो आपके बर्ड रूम में आके बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे, और हो सकता है आपके बर्ड रूम में आके वो खुद परफॉर्म ना करे, और ये भी हो सकता है कि आपके बर्ड रूम में आके वो अल्लाह ना करे आपको नुकसान भी पहुँचाए। ठीक है, तो ये सारी मिक्स थाट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब बर्ड नामा के प्लेटफॉर्म से हमने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू प्रोड्यूस कन्फर्म ब्लू टू बर्ड, वो आपसे ही हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके तो उसको वीडियो बनाई थी। तो अब आप ये बताइएगा कि आपने ब्लू टू बर्ड जो ब्रीड करवाए हैं उनमें कितनी कन्फर्मेशन आई है, ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हुए हैं आपके पास? देखें, इसमें बिल्कुल दो बेसिक से फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ऐसा है जिससे आपके पास पॉसिबल ब्लू टू प्रोड्यूस होते हैं, और एक फार्मूला ऐसा है जिससे आपके पास कंफर्म ब्लू टू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो आपका सवाल है कि मेरे पास कितनी कंफर्मेशन आई है, तो जो मैंने कंफर्म वाले फार्मूला से प्रोड्यूस करवाए हैं वो तो कंफर्म ब्लू टू हैं। ठीक है, जो पॉसिबल वाले से हैं उनको मैं टेस्ट ब्रीड करूँगा। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी नाइस। अब आखिर में वन लाइनर, आप नए जो फैंसियर, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए वन लाइनर कोई एक मैसेज आप क्या देंगे? देखें, इस फील्ड के अंदर इतनी वैरायटी है कि आपको कामयाब लोग भी मिलेंगे, आपको नाकामयाब लोग भी मिलेंगे। कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ आपको बिल्कुल रिवर्स गियर लगाने के लिए कहेंगे। आई वुड सजेस्ट फॉर न्यू फैंसियर कि आप एक अच्छे मेंटर का इंतखाब करें, और उनकी एक्सपीरियंस से, उनकी गाइडलाइन से अपने लव बर्ड के जर्नी को लेके चलें। जैसा कि मैंने 4 साल पहले अवैस भाई के साथ यही मामला इख्तियार किया, जैसा उन्होंने कहा, जो चीज़ कही वैसी ही की। उससे पहले मैं लव बर्ड का ब्रीडर नहीं था, और मुझे लव बर्ड बहुत मुश्किल नज़र आता था। इवन के सादा पर्सनाटा और फिशरीज़ भी मैंने ब्रीड नहीं करवाए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट तमाम म्यूटेशंस मेरे बर्ड रूम में मौजूद हैं। तो मेंटर एक अच्छा लें, जो भी आपके जो एक्सेस में हो, जो आपको टाइम दे सकते हो, या जिनकी बात आपको समझ आती हो, और वो अच्छे मेंटर हों, उन मेंटर के साथ, उनकी मशावरत के साथ लव बर्ड की हॉबी करें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात रहेगी। जी, ये आपने चौधरी मुबशर साहब का जो एक्सपीरियंस है वो आपने सुना है। उम्मीद है कि आप लोग इससे जो है वो इस्तेफादा हासिल करेंगे, और किसी भी बंदे की नॉलेज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। आप देखें, मैंने इन्हें कहा है कि कोई वन लाइनर आपने जो है वो नए फैंसियर्स के लिए बताना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10 से 15 लाइनें कही हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि इस बंदे के पास कितना नॉलेज है। तो उम्मीद है कि इनके नॉलेज से आपको सीखने का मौका मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।